दिस टाइम जो मुझे चीजें मिली हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी लो प्राइस पे मिली हैं, व्हिच आई एम हैप्पी अबाउट. बंजारा मार्केट पार्ट टू बन ही गया आखिरकार. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Thank you for watching SP Presents. Sunday morning hai guys. And we are heading straight to Banjara Market yet again. मुझे पता है last time I was little disappointed. मैंने आप लोगों के साथ share भी किया था कि यार चली तो गई, shop भी कराई, but then कुछ ज्यादा मजा नहीं आया. But दिल फिर से मेरा डिगड़ डिगड़ हो रहा था कि यार चलते हैं, छुट्टी है, बंजारा मार्केट एक्सप्लोर करके आते हैं. मे बी देयर इज सम न्यू स्टफ दैट्स आउट देयर व्हिच वी कैन एक्सप्लोर एंड बाय फॉर आवरसेल्फ्स. तो या वही प्लान है यार सैटरडे का, तो चलते हैं, देखते हैं कुछ नया मिलता है तो आई विल शो यू गाइज. अभी के लिए लेट्स हेड टुवर्ड्स बंजारा मार्केट. वन इटर्निटी लेटर. ऑल राइट गाइज, पहुंच तो गए हैं, बट वही चीज है कि वीकेंड है तो आई got the space to park the car, but बहुत ही मुश्किल से, बहुत रश है. मैं जाके देखते हैं क्या मिलता है. अभी अभी तक तो मुझे कुछ ऐसी नजर गई नहीं है कि ओ माय गॉड अच्छा कुछ नया स्टफ आया, ऐसा कुछ नहीं है. बट अब आ गई हूँ तो देखते हैं, लेट्स गो इन एंड फाइंड आउट. बेसिकली अभी मैंने गाड़ी पार्क कर ली है बहुत मुश्किल से, और थोड़ी सी दूर लगाई है, बट दूर लगाने का फायदा ये हो गया कि यहाँ से मेरी गाड़ी आराम से निकल जाएगी वेन एवर आई कम बैक, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा रोड के ऑलमोस्ट पास ही है. तो लेट्स गो इन एंड सी. गाइज ये तो सारा अभी के लिए मुझे नॉर्मल स्टफ ही लग रहा है, क्योंकि जब भी आओ तो ग्लासेस और ये कटलरी तो आपको दिख ही जाता है. मेरी नज़र बेसिकली वो मिरर पे है, दिस वन द सेंटर वन. मैंने अभी प्राइस पूछा है इनसे, जब कोटिंग कुछ 2500 रुपये, बट आई एम गोना गो इन एक्सप्लोर मोर एंड देन सी कि अगर मुझे कुछ अच्छे रेट पे मिल जाता है. काफी सारा फ्रेश स्टफ है बंजारा मार्केट में, विच मेक्स मी हैप्पी, एंड आई गॉट माई फर्स्ट पीस ऑल्सो. सो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. बहुत अच्छे लैम्प्स, हाउस डेकोर पीसेस बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं. गॉट माई फर्स्ट पीस एंड आई एम लुकिंग फॉर मोर. एक और चीज़ मुझे पसंद आ रही है, टेबल किसी चीज़ के लिए घर पे, बट आई एम फाइंडिंग कि मुझे सही प्राइस मिल जाए उसका फिर खरीदूंगी. All right guys, so the first category that I have kept in my Banjara Market part 2 vlog is lamp. I know ये part 1 में भी था आपको दिखाने के लिए, but इस बार की variety जो थी वो next level पे थी. It was the most trending stuff in Banjara Market, ranging from somewhere between you know 500-800 rupees वाले lamp till about 7-8000 तक के भी lamps वहाँ पे थे, and people were actually interested in bargaining and buying the products. I saw many people buying lamps from various shops. तो ये कैटेगरी तो मुझे रखनी रखनी थी. सो या ह्यूज ह्यूज वैरायटी ऑफ लैम्प्स, चाहे वो हैंगिंग लैम्प्स हो, आपके बेड साइड टेबल लैम्प्स हो, या फुल फ्लेजेड यू नो बड़े वाले लैम्प्स हो जो आपके लिविंग एरिया में, आपके बेडरूम में एक्सेट्रा आप लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दीज कॉपर कलर के जो आप ये लैम्प्स देख रहे हो, ये दीज आर फुल फ्लेजेड लाइक बिग वाले लैम्प्स, एंड दीज वर यू नो कॉस्टिंग अराउंड समवेयर बिटवीन 5000-8000. ह्यूज बार्गेनिंग चल रही थी इस पे, एंड पीपल वर लाइक लिटरली इंटरेस्टेड टू बाई दीज, एंड दीज were beautiful pieces. So yeah, huge variety of lamps in Banjara Market this time, and worth keeping one category in my Banjara Market part 2 vlog for sure. So another category in Banjara Market this time was guys these different baskets, अलग अलग तरह की baskets, jute baskets, या कुछ wire से बनी हुई हैं, कुछ wood की बनी हुई हैं, कुछ brass की बनी हुई हैं, and कुछ sets में थी, कुछ अलग थी. You know you see these boxes, wooden boxes, they were beautiful अपना सामान रखने के लिए, for kitchen, for you know dining table etc. This lazy Susan wooden का बना हुआ बहुत सुंदर था. Price variations थी अलग अलग, मतलब कुछ 400-500 की trays भी थी, और कुछ
800, 2000, 3000 तक की भी चीज़ें थी. सो दैट वॉज द वेरिएशन, बट पीपल वर एक्चुअली यू नो बार्गेनिंग फॉर द स्टफ दे लाइक एंड दे वर बाइंग इट. सो अनदर ट्रेंडिंग स्टफ इन बंजारा मार्केट, एंड आई एम हैप्पी टू सी दीज काइंड ऑफ यू नो यूनिक पीसेज इन बंजारा मार्केट दिस टाइम. नेक्स्ट अप आर दीज ब्यूटिफुल प्लांटर्स गाइस, जो मुझे बंजारा मार्केट में दिखे. बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी नहीं थी, कुछ चार पांच तरह के पीसेस थे और डिज़ाइंस थे इन कलर्स एंड प्रिंट्स. पीपल वर डेफिनेटली लाइकिंग दिस एंड दे वर बाइंग एंड बार्गेनिंग. प्राइस वॉज समवेयर बिटवीन यू नो 1,000 to 2,000, 2,500 rupees बेसिकली. अगली चीज गाइज जिसकी डिसेंट वैरायटी थी बंजारा मार्केट में आर दीज काइंड ऑफ बार चेयर्स एंड कपल ऑफ अदर सीटिंग्स, जैसे ये बार स्टूल्स एंड यू नो दीज बेंचेस जो गार्डन एरिया एक्सेट्रा में आप रख सकते हो. एंड ऑफ कोर्स यू नो थिंग्स लाइक ऑटोमन एंड थिंग्स लाइक यू नो ये बीन बैग वाला फील देने वाले यू नो सीटिंग्स एक्सेट्रा अलग अलग प्राइस रेंज के थे. ऑफ कोर्स जो तो बार चेयर्स थी वुडन की वो काफ़ी महंगी थी, 3,000, 4,000, 5,000. ये अलग अलग पेयर्स में मिल रहे थे, कुछ 800 के दो, कुछ 1,000 के दो. और जो लंबे स्टूल्स आप देख रहे हो देवर अगेन अराउंड 3,000, 4,000 rupees. सो या गुड वेराइटी ऑफ दिस स्टफ एज वेल. So guys, Banjara Market, we all know, is known for its decor, that quirky pieces that it offers to you. So one of them was these kind of boards jo aap, you know, kitchen mein laga sakte ho, ye jo, you know, writings thi. Then a huge, huge variety of scented candles. Matlab candles mujhe pehle bhi dikhti thi, but yahan pe ek customer ka review maine liya, jisne pehle bulk mein ye candles khareedi thi, and she was like ki, these were really, really nice candles with good fragrances and, you know, worked really nice. To Banjara Market mein quality candles mil rahi thi. Of course, these were offered at a very costly price. मतलब वो 4,000-5,000 तक भी कोट कर रहे थे, समवेयर ऑफ 1,000 rupees. जो छोटी क्वांटिटी में थी वो कुछ 500 में थी, 300 में थी, यू नो 700 में थी. तो अलग अलग प्राइसेस थे. फिर कुछ डेकोर पीसेस ऐसे भी थे जिसमें आप कैंडल्स रख सकते हो, या जो कैंडल्स ऑलरेडी बनी हुई थी विद अ मिरर वर्क आउटसाइड. तो बहुत ब्यूटीफुल पीसेस थे जो आप अपने डेकोर, घर के डेकोर के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. उसके बाद डेकोरेशन यहीं तक ख़त्म नहीं होती. देयर वर ब्यूटीफुल मैक्रमे पीसेज इन बंजारा मार्केट दिस टाइम. यू सी दिस मैक्रमे वर्कड मिरर. तो यू नो मैक्रमे के शीट्स एंड मैक्रमे के व्हाट यू कॉल इट मैट्स एटसेट्रा बहुत अच्छे मिल रहे थे. ऑफकोर्स दे वर प्राइस्ड रियली हाई. अब ये जो आप मिरर्स देख रहे हो ये मुझे बताए गए थे कुछ 2,500 का पीस बताया गया था. ये बड़े वाला पीस मुझे 3,000 का बताया गया था. बट दे वर ब्यूटिफुल एंड वर्थ कैप्चरिंग, सो आई केप्ट इट इन माई व्लॉग फॉर श्योर. नेक्स्ट थिंग वर दीज ब्यूटिफुल आइडल्स ऑफ बुद्धा. पहले भी मुझे ये दिखते थे वॉल हैंगिंग्स और यू नो बुद्धा स्टैचूज एट्सेट्रा, बट इस बार अलग वेराइटी थी और बहुत सुंदर वेराइटी थी. यू नो इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन्स, इन द फॉर्म ऑफ वॉल हैंगिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ यू नो आपका कॉर्नर में स्टैचू रखने के लिए, या यू नो बुद्धा पेंटिंग्स फॉर दैट मैटर. एंड पेंटिंग्स बहुत कम, बट स्टैचूज और ये पोजेज, बुद्धा के अलग अलग पोजेज वर अवेलेबल और बहुत ही अच्छे साइजेस में थे, लाइक अ ह्यूज साइज. इफ़ यू हैव अ गुड स्पेस इन योर लिविंग रूम, और अगर आप ये एक यू नो फाउंटेन वाला पीस या कोई भी एक बुद्धा स्टैचू अपने रखते हो लिविंग एरिया में, इट विल गिव अनदर फील. जैसे आप ये फाउंटेन देखो, इट वॉज ब्यूटिफुल. ऐसे बहुत सारे पीसेस थे, ऑफकोर्स बहुत एक्सपेंसिव थे. एंड बट द बेस्ट पार्ट दिस टाइम इन बंजारा मार्केट वर कि लोग एक्चुअली इन यू नो सारी चीज़ों का प्राइस पूछ के नेगोशिएट करके दे वर टेकिंग दी स्टफ होम. तो मतलब ये ट्रेंडिंग था क्योंकि ये थे इतने सुंदर. सो या दिस इज द नेक्स्ट थिंग आई हैड टू कैप्चर. Thank you.
बन ही गया आखिरकार. सो आई केम बैक, आ गई थी मैं टाइम से, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा रश था. मतलब प्रूव हो गया येट अगेन कि वीकेंड पे नहीं जाना चाहिए ऐसी मार्केट्स में. बहुत रश था, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पार्क थी. आई एक्चुअली हैड टू वेस्ट 30-40 मिनट्स जस्ट टू फाइंड अ प्रॉपर स्पेस प्लेस टू पार्क माई कार. सो यप, दैट वॉज हाउ द होल बंजारा मार्केट सिचुएशन वॉज. बट जैसे तैसे करके पूरी मेहनत से एक ब्लॉग पार्ट टू बन गया है बंजारा मार्केट का. एंड यू हैव सीन देर आर कपल ऑफ थिंग्स विच वर डिफरेंट दिस टाइम एंड आई वॉज हैप्पी टू सी दोज. काफ़ी बहुत एक्सपेंसिव थी, लाइक द लैम्प्स दैट आई शोड यू काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बट देखने में बहुत सुंदर थे. बार्गेनिंग हो रही थी उस पर, बट आई didn't really bargain it a lot on that because I was not really wanting. I have couple of lamps at my place और अभी मैं नए खरीदने का कुछ मेरा माइंड में था नहीं तो. बट हाँ, आई हैव केप्ट द प्राइसेज जो मुझे सुनने में आ रहे थे. नाउ आई शो यू द कपल ऑफ थिंग्स जो मैंने खरीदी है बंजारा मार्केट से. सो दैट आई शो यू वन बाई वन अलॉन्ग विद देयर कॉस्ट एंड एवरीथिंग. एंड दिस टाइम जो मुझे चीज़ें मिली हैं वो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लो प्राइस पर मिली हैं, विच आई एम हैप्पी अबाउट. एंड थिंग्स आर गुड टू बी केप्ट इन द हाउस. मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वन बाई वन. सो या, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू व्हाट आई हैव गॉट.
का ब्लॉग का पार्ट वन भी देख सकते हो कि मैंने उसमें कैप्चर क्या किया था. सो यार गाइस, दिस वाज माय पार्ट टू ऑफ पंजारा मार्केट होम ऑल प्लस ब्लॉग. आई होप यू लाइक द स्टफ, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक माय शॉपिंग. आई विल डेफिनेटली शो यू हाउ आई काइंड ऑफ यूज द स्टफ इन माय हाउस.